हर साल की तरह इस साल भी सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए ढेर सारी फिल्में रिलीज होने वाली है। इनमें से कुछ फिल्में साउथ इंडस्ट्री की है जिन पर दर्शकों की नजरें टिकी हुई है। इन फिल्मों में बड़े बजट, दमदार कहानियां और धांसू स्टार कास्ट है। इन फिल्मों में सबसे पहला नाम आता है अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का। पुष्पा द राइज की सफलता के बाद दर्शक बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। वहीं थलापति विजय की फिल्म ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी इस साल रिलीज होने वाली है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 6 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर उतरेगी। इस फिल्म को लेकर फैंस में बड़ी एक्साइटमेंट है। ऐसे में मेकर्स की उम्मीद है यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका लेकर आएगी। जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर की फिल्म देवरा पार्ट फर्स्ट पर भी मेकर्स ने बड़ा दाव खेला है। यह फिल्म 27 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म के ट्रेलर ने थलापति विजय के फैंस को दीवाना बना दिया है। एक्शन, रोमांच और कहानी का जबरदस्त मिक्सअप, यह फिल्म निश्चित रूप से इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनने वाली है। रामचरण और कियारा आडवाणी की फिल्म गेम चेंजर इसी साल सितंबर में रिलीज होगी। एक्टर सूर्या और दिशा पाटनी की फिल्म कांगवा भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है। इस फिल्म में बॉबी देओल नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। यह फिल्म 10 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। रजनीकांत और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म बेटाइन भी जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली है। यह फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के लिए भी मेकर्स ने करोड़ों रुपए का खर्चा किया है। ऋषभ शेट्टी अपनी धमाकेदार फिल्म कंतारा का पहला अध्याय लेकर आ रहे हैं। दिसंबर में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। याद है ना आपको, कंतारा का पहला भाग बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा चुका था। अब देखना है कि कंतारा चैप्टर फर्स्ट क्या कमाल दिखाता है। ऐसी मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।